मोहम्मद शमी के भाई ने एक पारी में लिए इतने विकेट, टीम इंडिया का खटखटाया दरवाजा। शमी के भाई ने एक ही पारी में विकेटों की लगा दी ऐसी झड़ी, देखती रह गई सभी टीमें। दोनों भाई टीम इंडिया में मचाएंगे ऐसा तूफान, विपक्षी टीमों की अब खैर नहीं। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई की रणजी ट्रॉफी में एंट्री हो गई है। शमी की तरह वो भी बंगाल के लिए खेल रहे हैं। इसी क्रम में अब कैफ भी अपने बड़े भाई शमी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में रणजी मैच में कहर बरपाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। कैफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेकर टीम इंडिया में अपने डेब्यू का दरवाजा भी खटखटा दिया। कैफ ने अपने भाई की तरह तेज गेंदबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश को 60 रनों पर रोक दिया। दरअसल रणजी ट्रॉफी में बंगाल का दूसरा मैच नीतीश राणा की कप्तानी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ था। इस मैच में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। टीम के इस फैसले को मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ ने सही साबित कर दिया। उन्होंने कहर बरपाते हुए शानदार गेंदबाजी की। उनकी गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि उत्तर प्रदेश के सभी बल्लेबाज उनके खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। वो कैफ के सामने रन बनाने के मामले में बंधे नजर आए। मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ ने ओपनर समर्थ सिंह को पवेलियन भेजकर पहला विकेट लिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। सौरभ कुमार, भुवनेश्वर कुमार और अंकित राजपूत को अपना शिकार बनाया। कैफ ने 4 विकेट सिर्फ 5.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए झटके। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट लिए। अगर कैफ का प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो वो जल्दी टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं। कैफ के अलावा सूरज सिंधु जायसवाल और ईशान पौंडेल ने शानदार प्रदर्शन किया। सूरज ने 3 और ईशान ने 3 विकेट लिए। इसमें नीतीश राणा का विकेट भी शामिल है। इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 60 रनों पर सिमट गई। गौरतलब है कि मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर अपने भाई कैफ का रणजी ट्रॉफी पर बधाई दी थी। इस दौरान टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज ने अपने भाई कैफ को शानदार प्रदर्शन के लिए भी शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने अपने भाई से भविष्य में कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि कैफ ने रणजी डेब्यू से पहले अपने करियर में 9 लिस्ट ए मैच खेले हैं। इन मैचों की 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 26.33 की औसत से 12 विकेट झटके और बल्लेबाजी करते हुए 5 पारियों में 23 रन बनाए। अगर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ इसी तरह से प्रदर्शन करते रहे तो वो जल्द ही टीम इंडिया का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।